जब से आदि पुरुष का फर्स्ट लुक टीजर लॉन्च हुआ है, सब ट्रोल करने में लग गए हैं। बैड VFX, बैड CGI, बैड एडेप्टेशन सुन सुन कर दिमाग की दही हो गई है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हर तरफ फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि आदि पुरुष पहले वीक में 100 करोड़ चुटकियों में क्रॉस करेगा। अबे गिनकर 50 व्यूज भी नहीं आते हैं तो पैसे कौन देगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आदि पुरुष पहले वीक में 100 करोड़ चुटकियों में क्रॉस करने वाला है। सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए मुझे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में प्रूव कर लूंगा। फिलहाल फिल्म को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है उस पे बात करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आदि पुरुष इंस्पायर्ड है रामायण से, जिसकी अनाउंसमेंट 18 अगस्त 2020 में एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए हुई थी। एक्चुअली 1992 में रामायण पर बनी जैपनीज फिल्म द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा ओम राउत को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिससे मोटिवेट होकर ओम राउत ने आदि पुरुष बनाने का फैसला किया और COVID-19 लॉकडाउन में ही पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। फिल्म में प्रभास श्री राम, प्रीति सेनन माता सीता का रोल प्ले कर रही हैं, जिनका नाम बदलकर राघव और जानकी कर दी गई है। सोर्सेस की माने तो माता सीता के रोल के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी और कीर्ति सुरेश को अप्रोच किया गया था। फिल्म की शूटिंग 2 फरवरी 2021 में शुरू हुई और उसी दिन शूट वाले लोकेशन पर आग लग गई। मिरेकल। जिसके बाद सेम लोकेशन का डुप्लीकेट सेट तैयार किया गया। कृति और सैफ ने अक्टूबर 2021 तक अपना शूट खत्म कर लिया। उसके अगले महीने 10 नवंबर तक पूरी फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, इंक्लूडिंग प्रभास। और 2 अक्टूबर को आदि पुरुष का टीजर लॉन्च किया गया। KGF चैप्टर 2 के टीजर के बाद ये दूसरी टीजर है जिसे 24 घंटों के अंदर 69 मिलियन प्लस व्यूज और 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले। लेकिन इसके VFX और CGI ने तो बवाल ही खड़ा कर दिया। इसके पुअर विजुअल्स की वजह से सब कुछ नकली जैसा लगता है, जैसे बच्चों की कोई एनिमेटेड फिल्म हो। इतने भयानक रिएक्शंस आने के बाद भी मेकर्स ने साफ कह दिया है कि VFX में किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। मतलब जो टीजर में दिखाया गया वही फाइनल है। हाँ, हालांकि 3D टीजर के रिस्पांस पॉजिटिव है। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने बताया कि आदि पुरुष बनाने के पीछे उनका मकसद आज की जेनरेशन को टारगेट करना है, जो MCU और DC के डाई हार्ड फैन है। सर पे बुखार चढ़ गया, कुछ नहीं बोलता। एक तो इतने बुरे रिस्पांस आने के बाद भी VFX को एनहांस करने से साफ मना कर दिया और बातें MCU और DC की कर रहे हैं। ये साले कुछ भी बकवास कर रहे हैं। आदि पुरुष का बजट ऑलमोस्ट 500 करोड़ है, जिसमें से 250 करोड़ एस्टिमेटेड अमाउंट VFX पर खर्च हुए हैं। वही रिसेंटली रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र को ले लो, जिसका एस्टिमेट बजट ही 410 करोड़ था। उसमें भी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन जैसे बड़े स्टार्स हैं, जो हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं। उस हिसाब से अंदाजा लगाओ तो 130 से 160 करोड़ तक का एस्टिमेट अमाउंट VFX पर खर्च हुआ होगा, क्योंकि आदि पुरुष के मुकाबले ब्रह्मास्त्र की स्टार कास्ट बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी फिल्म के VFX को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, इसलिए ब्रह्मास्त्र के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है और ऐसे में आदि पुरुष उस एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। खैर, मैंने शुरुआत में कहा था आदि पुरुष पहले वीक में 100 करोड़ चुटकियों में क्रॉस कर लेगा, राइट? अब पूछो कैसे? पूछो ना यार। पूछता नहीं यार, अरे पूछो ना कैसे? वो ऐसे कि इसके फेल्ड VFX की वजह से ये बच्चों की एनिमेटेड फिल्म लग रही है। अब जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, वो अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे आपके जाने से ये फिल्म जितनी कमाती उससे कई ज्यादा कमाएगी अगर फैमिलीज इस फिल्म को देखने के लिए जाए, जिसमें ना चाहते हुए भी मैं और तुम शामिल है। अब कौन जाए बाप के जूते खाने? तो अब बताओ ये फिल्म 100 करोड़ पहले वीक में कमा पाएगी या नहीं, कमेंट करके बताना यार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय।